हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, एक्चुअली ये अभी कने है, ये 15 अक्टूबर का है। और 12 अक्टूबर को एक्चुअली विनोद का बर्थडे था और 12 तारीख को हम लोग को टाइम नहीं था, तो हम लोग 15 तारीख को गए थे डिनर के लिए। एक्चुअली हम लोग को विनोद ही लेकर गया था डिनर के लिए। और हम लोग यहाँ पर आए थे द पंजाबीज किचन में, जो कि जेबी नगर में है, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। तो हम लोग वहाँ पर डिनर के लिए आए हुए हैं और आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और जैसा कि वीकडेज है तो सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश होता है, तो हम लोग एक बार ऊपर आके चले गए। यहाँ पे खड़े होने को भी जगह नहीं थी, तो हम लोग ने नीचे जाके कम से कम आधे घंटे तक वेट किया। उसके बाद में हम लोग सेकेंड टाइम ऊपर आए हैं और काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद में हम लोग ने उन लोग को बोला कि भाई काफ़ी टाइम हो गया, तो उन्होंने फिर हमारे लिए जो है टेबल हम लोगों को मतलब हमारे लिए रिजर्व कर दी। और इस वक्त भी नीचे काफ़ी सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं। और ये जो है पंजाबी किचन एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पर है और यहाँ पे देखिए कि बहुत ही ज़्यादा रश है। ऊपर अभी बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी लोग बाहर भी अपना वेट कर रहे हैं अपने नंबर का। और यहाँ पे देखिए ये टेबल पे काउंटर पे लगे हुए हैं स्टैचू, कितने खूबसूरत से यहाँ पे स्टैचू लगे हुए हैं। और साइड का व्यूज़ आप देख सकते हैं, हमें जो टेबल मिली थी वो साइड की ही थी, तो वहाँ का व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से साइड में आपको इसका लोगो भी नज़र आ रहा है पंजाबी किचन का। और यहाँ पे आप देखिए मेरे हस्बैंड और विनोद किस तरह से गरीबों के जैसे बैठे हुए हैं अपने ऑर्डर के इंतज़ार में। और सबसे पहले यहाँ पे सर्व किया गया प्याज, यहाँ पे सैलेड है प्याज का, साथ ही नींबू और प्याज के रिंग्स और साथ ही ग्रीन चटनी यहाँ पे सर्व की जाती है सबको। तो विनोद लग गया है अपनी ड्यूटी पर, यानी वो हम सब की प्लेटों में, हम सब यानी हम दोनों की प्लेटों में भी सर्व कर रहा है। और विनोद जो है एक्चुअली ना रियली बहुत ही ज़्यादा संस्कारी बच्चा है, हालांकि बहुत सालों से वो अपने पेरेंट्स से दूर है, मतलब साल में एक दो बार ही जा पाता है लोगों के पास में, पर अकेला रहकर भी उसने अपना जो कल्चर है वो नहीं छोड़ा है। रियली बहुत ही अच्छा है, आज का जो जनरेशन है उसके हिसाब से तो मैं बोलूँगी ऐसे बच्चे जो होते हैं ना उनका मिलना ही मुश्किल है। और उसके बाद में उसने सब चीज़ों पर नींबू डाला, फिर उसके बाद में उसने काली मिर्च और नमक डाली, फिर चटनी सर्व किया। उसने बोला मतलब उसका इरादा था कि मैं कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, जितनी चीज़ है सारी के सारी मैं यूज़ करूंगा, मतलब मैं पूरा पैसा वसूल करूंगा। तो देखिए एक के बाद एक चीज़ है, वो एक बार काली मिर्च डाल रहा है, फिर नमक डालेगा, फिर चटनी डालेगा। और मैं यहाँ पे कैमरा लेके बैठी थी, बोली थी भाई बस कर अब, मैं कब तक अपना कैमरा लेके बैठी रहूँ। और ये वीडियो आज मैं 3 दिन के बाद में अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि उसके दूसरे दिन से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आप लोग बोलेंगे क्या बार बार मेरा यही है कि जब देखो तबीयत ख़राब हो जाती, तो एक्चुअली मेरे को प्रॉब्लम ही है। एक्चुअली अभी मुझे डायबिटीज़ भी हो गया है, पहले तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अब मुझे डायबिटीज़ भी हो गया। मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, 2 दिन तक तो मैं ऐसे ही पड़ी हुई थी। और जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो सच बोलूँ 2 दिन तो मेरा ऐसा ही निकल जाता है आने के बाद में, इसलिए मैं उसी टाइम पे अपलोड नहीं कर पाती हूँ। और एट लास्ट जो हमारे सामने आया ये पनीर टिक्का, जो कि हमने ऑर्डर किया था, एक्चुअली ये मेरे ही पसंद का था, मैं नहीं बोली थी कि मुझे पनीर टिक्का चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 8 पीसेज यानी 4% के हिसाब से यहाँ पे आए हैं। और साथ ही हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था बटर नान, जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी थी। हमने सोचा था कि छोटी छोटी होगी, तो हम लोग ने 3 बटर नान ऑर्डर की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी थी कि हम लोग ने 3 लोगों ने खा के भी ये रोटी बच गई थी, मतलब काफ़ी बड़ी थी। साथ ही हमने यहाँ पे दाल मखनी का ऑर्डर किया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे लिए दाल मखनी जो है वह बाउल में सर्व कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और हमने सोचा था कि आज हम कुछ पंजाबी डिशेज ही ट्राई करेंगे, वेज डिशेज ही खाएंगे, क्योंकि विनोद जो है वो वेजिटेरियन है, तो जाहिर सी बातें हैं, तो और नॉन वेज तो हमेशा खाते ही रहते हैं। और रियली आपको बताऊँ, यहाँ पे एक्चुअली जो है पंजाबी किचन में यहाँ पे नॉन वेज भी सर्व किया जाता है, यानी यहाँ पे नॉन वेज भी मिलता है, लेकिन हमने यहाँ पे वेज का ही ऑर्डर किया। साथ ही यहाँ पे देखिए बूंदी वाला रायता जो कि हमने ऑर्डर किया था, ये तो हमें चाहिए ही था क्योंकि बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, तो हमने ये बूंदी वाला रायता ऑर्डर किया था।
साथ ही यहाँ पे हमारे को सर्व किया गया था पिकल्स अचार, हमको सर्व किया गया था। ये तीन टाइप के अचार देखिए, यहाँ पे आम का अचार है, साथ ही मीठा वाला जो है कैरी का अचार है जिसमें गुड़ डला हुआ है मुरब्बे की तरह है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था तो मैंने तो ज़्यादा ही खाया। और यहाँ पे मिर्ची वाला अचार है जो नॉर्थ साइड का होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा सभी अचार ट्राई किए, तो बहुत ज़्यादा खट्टा तो मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा वो जो मुरब्बा था वो अच्छा लगा। और यहाँ पे विनोद देखिए एंजॉय कर करके खा रहा है म्यूजिक के साथ में। और हम लोग ने सोचे थे कि हम यहाँ पर ही केक का ऑर्डर कर देंगे, लेकिन यहाँ पे केक का ऑर्डर, यहाँ पे केक अवेलेबल नहीं था, बाहर से ही मंगाना पड़ता और काफ़ी रात हो गई थी। और उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ चॉकलेट केक ही मिलेगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मुझे फ्रूट केक अच्छा लगता है। तो फिर हमने उसको पोस्टपोन कर दिया, हमने सोचा चलो बाद में कभी केक काट लेंगे, आज तो सिर्फ डिनर ही इन्जॉय करते हैं। और ये यकीन जानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना था, यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छी, इतना यहाँ पे क्राउड, इतना रश होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और विनोद को लग रहा था कि वो हम लोगों के लिए कुछ नॉनवेज वगैरह ऑर्डर कर दे, पर हम लोग ने मना कर दिया क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि वो वेज खाएगा और हम लोग नॉनवेज। और उसके बाद में खाना खाने के बाद में जो लेमन वाटर आया, तो यहाँ पे देखिए विनोद ने अपने दोनों हाथ डाल दिए, तो मैंने बोला भाई तू क्या ढूंढ रहा है इसके अंदर दोनों हाथ डाल के, तो उसने नींबू निकाला, देखो बोलता मुझे नींबू मिला। एक्चुअली हम लोग मजाक कर रहे थे। और उसके बाद में सच में उसने अपनी अंगूठी निकाल कर डाल दिया और बोला देखिए मुझे अंगूठी मिली इसके अंदर। और यहाँ बेटर्स का खलनायक वाला ड्रेस कोड बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद में हमने यहाँ पे मंगाई कुल्फी जो कि पान मसाला फ्लेवर की थी, बहुत ही टेस्टी थी। और इसके अंदर पान का, सौंफ का और सारी चीज़ें जो पान में डलती हैं सभी चीज़ों का फ्लेवर था, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एकदम यूनिक टेस्ट था इसका, सभी लोगों को बहुत पसंद आया। और एक्चुअली मुझे स्वीट ज़्यादा पसंद नहीं, और मुझे एक्चुअली मना भी है डायबिटीज़ की वजह से, मीठा खाना भी नहीं है, तो मैंने बहुत थोड़ा सा खाई, लेकिन हमारे हस्बैंड को, उनको भी हालांकि डायबिटीज़ है लेकिन वो तो ज़रा भी परहेज़ नहीं करते, और बिंदास खाते हैं मीठा। और विनोद तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करके खा रहा था, उसको बहुत मज़ा आया है फ्लेवर का, उसके एक्सप्रेशन तो बस से देखते ही बन रहे थे कि वो कितना मज़ा ले रहा है, इतना इंजॉय कर रहा है। और बिल पेमेंट के बाद में यहाँ पे सबसे लास्ट में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे एक पंजाबी कपल का स्टैचू या उसका रिप्लिका यहाँ पे उन्होंने ला के रख दिया, जिनके हाथों में बाउल रखे हुए थे और जिनके अंदर माउथ फ्रेशनर था, यानी एक में गुड़ वाली सौंफ थी और दूसरे में नॉर्मल वाली सौंफ थी, तो ये चीज़ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, यहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग था ये जो उन लोग का तरीका था रियली। और फिर उसके बाद में हम लोग जा रहे हैं नीचे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ का जो एम्बियंस है, मतलब एकदम विलेज स्टाइल में इन्होंने बाहर का जो बनाया हुआ है, जो ओपनिंग है इनका, डोर है एकदम कच्ची वाल की तरह। यहाँ पे थोड़ा सा राइट साइड में थोड़ा सा अच्छा कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ है, जहाँ पे आप अपनी टेबल वगैरह बुकिंग करवा सकते हैं। और यहाँ पे जो पंजाबी किचन जो है इसका लोगो भी लगा हुआ है, और अब तो ये खाली हो चुका है, वरना यहाँ पे तो खड़े होने को भी जगह नहीं थी जब हम लोग यहाँ पर आए थे। और विनोद अब इनको लेकर नीचे जा रहा है, और यहाँ पे देखिए हमारे खलनायक में नायक जो है वो नीचे से आ रहे हैं। और यहाँ से जो है जोमेटो की सर्विस भी दी जाती है, यानी आप जोमेटो के थ्रू भी यहाँ से अपना खाना वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। और कम से कम 5-6 दिन के बाद में अब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली कुछ भी नहीं बनाया है, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ बनाने की, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था एक्चुअली। हालांकि मेरे पास में काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने किसी को भी एडिट नहीं किया है। अब सोच रही हूँ कि थोड़ी सी तबीयत बेटर हो जाएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा, तो मैं सभी को एडिट करके एक एक करके मैं अपलोड कर दूँगी। और ये ज़्यादा इजी पड़ता है कि हम कहीं बाहर चले जाएं, तो ये होता है कि थोड़ी सी मेहनत हो जाती है आने जाने में, और खाने में भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, कुछ अगर ऑयली वगैरह आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होने लगता है। पर मुझे कुकिंग से ज़्यादा ये इजी लगता है कि बाहर चले जाओ बस। तो अभी देखिए रात के 12 बज रहे हैं तकरीबन, और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है रोड पर, क्योंकि वीकडेज में तो वैसे भी रोड पर इतना ज़्यादा रश नहीं होता है,
तो अब हम वेट कर रहे हैं कि कोई भी ओला या यूबर वगैरह बुक कर लें और घर चले जाएं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को उसी टाइम पर मिलते रहे। और दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।